A capacitor of capacitance 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. The charging battery is then removed and the capacitor is connected across an inductor of self inductance 0.6 millihenry. The current in the circuit at a time when the potential across the capacitor is 6 volt so it is part a option a is 0 0.3 ampere b is 0.6 ampere पॉइंट नाइन एम पी एंड डी इज वन पॉइंट टू एम पी ठीक है हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एक कैपेसिटर है जिसका वैल्यू कैप्सटेंस का वैल्यू टू माइक्रोफेराड है इसको चार्ज किया गया ट्वेल्व वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब यह फुली चार्ज हो गया उसके बाद बैटरी को रिमूव करने के बाद इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिसका इंडक्टेंस वैल्यू 0.6 पॉइंट सिक्स मिली एन है ठीक है सो करंट हम लोगों को निकालना है जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा दैट इज द 6 वोल्ट देखिए ठीक है इस समय हम लोग को निकालना है सो so, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है सो एलसी ऑसलेसन का है सो so कैपेसिटर है इस तरह से इसको चार्ज किया गया कहां से ट्वेल्व वोल्ट से चार्ज किया गया ठीक है प्लस माइनस उसके बाद क्या किया गया एक इंडक्टर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इस तरह से ठीक है इस तरह से इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया गया एल डिस ठीक है सो मान लेते हैं वोल्टेज जो है दैट इज भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है क्यों क्योंकि वोल्टेज क्या होगा यह भी चेंज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस एल सी ऑसलेसेशन है सो so, ऑसिलेशन है तो हम लोग क्या करेंगे साइन या कॉस फंक्शन मानेंगे सो so, मान लेते हैं भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी है ओके ठीक है सो okay? so, अगर सी से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें सो सी भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी भी नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है सो दिस इज वाइट दिस इज चार्ज एट एनी टाइम टी एंड दिस इज द मैक्सिमम चार्ज साइन ओमेगा टी ठीक है ये क्या है मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम चार्ज ठीक है और ये क्या हो जाएगा चार्ज एट एनी टाइम चार्ज एट एनी टाइम ठीक है ओके सो इस फॉर्मूला से हम लोग या इस फॉर्मूला से या इस किसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू भी बाई नॉट होगा ठीक so, है सो भी कितना दिया यहाँ पर सिक्स वोल्ट फाइनल वी जो है जिस पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है जिस भी के लिए हम लोगों को निकालना है क्योंकि भी क्या है ये फुली चार्ज हुआ ना उसके बाद भी क्या होगा दिर हो इसका क्रॉस पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप होगा इसका चार्ज धीरे दिर धीरे डिक्रीज होगा एनर्जी डिक्रीज होगा और ये इंडक्टर क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर लेगा उसके बाद फिर रिवर्स ऑर्डर में फ्लो होगा एनर्जी ठीक है फिर ये धीरे धीरे फुली एनर्जाइज होगा और इसका एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो इस तरह से क्या होगा ये ऑसोलेशन चलता रहेगा ठीक है ना सो भी बाई भी नॉट सो भी का वैल्यू देखिए सिक्स वोल्ट है डिवाइड बाई ट्वेल्व सो दिस इज व्हाट हाफ ठीक है ये हाफ आया सो इसका मतलब यहां से अगर ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग निकाले ओमेगा टी सो हाफ क्या होगा साइन का कौन सा वैल्यू हाफ हो, हाफ देता है वन बाई टू डेट इज साइन थर्टी डिग्री साइन थर्टी डिग्री ठीक है सो ओमेगा टी कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री होगा सो इसका मतलब ओमेगा टी का वैल्यू थर्टी डिग्री मीन्स पाई बाई सिक्स इतना होगा ठीक है सो अब देखिए हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू निकाल चुके हैं ठीक है अब हम लोगों को क्या निकालना है हम लोगों को निकालना है करेंट करंट so क्या होता है I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ठीक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सो इसको क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी डेट इज क्यू नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी ठीक है सो so इसको डिफ्रेंशिएट करिए सो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा इट इज आई एट एनी टाइम और इस साइड क्या आ जाएगा देखिए हमारे पास इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले क्यू नॉट क्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं ठीक है देन साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी होगा देन इन साइड ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डैट इज ओमेगा सो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी करेक्ट है ठीक है सो so, करंट का वैल्यू क्या होगा जब सिक्स वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो गया सो डैट इज क्यू नॉट सो डैट इज सी बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी ठीक है सो सी का वैल्यू देख लीजिए कितना है ट्वेल्व माइक्रोफैक्ट सो ट्वेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स ओके देन इनटू इनटू इन भी नॉट भी नॉट का वैल्यू कहाँ से लाएंगे इनिशियल वैल्यू ट्वेल्व वोल्ट ठीक है बट ओमेगा हमारे पास नहीं है कॉस ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई सिक्स ठीक है इतना हो गया अब ओमेगा हम लोग कहाँ से निकालेंगे सो so, देखिए ये सर्किट जो है ये प्रॉब्लम जो है किससे है एल सी ऑसोलेशन को है सिर्फ कैपेसिटर को चार्ज करके हम लोगों ने इंडक्टर के एक्रॉस कनेक्ट किया है सो एल सी ऑसोलेशन है ये कैसा है एल सी ऑसोलेशन है ठीक है सो एल सी ऑसोलेशन अगर ये है सो एल सी ऑसोलेशन में क्या होता है एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होता है ना सो so, इसका मतलब ओमेगा एल एंड दिस इज वन बाई ओमेगा सी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सो so, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है वन बाई एल सी और ओमेगा का वैल्यू होता है वन बाई रूट ओवर एल सी ऐसा होता है ठीक है ठीक है ओमेगा क्या होगा वन बाई रूट ओवर एल सी सो ओमेगा यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं वन बाई रूट ओवर जीरो पॉइंट सिक्स इंटू मिली है सो टेन टू तो द पावर माइनस थ्री इंटू कैप्सटेंस कितना है टू माइक्रोफैट्स ट्वेल्व इंटू टेन तो टू दावर माइनस सिक्स ओके सो इसको कैलकुलेट कर लेना है इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू को ओमेगा को निकाल के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ठीक है सो so, ये न्यूमेरिकल बन जाएगा सो so, वीडियो पॉज करते हैं कैलकुलेशन करते हैं सो so, ये वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा टेन रेज टू पावर फाइव डिवाइड बाई रूट ओवर ट्वेल्व क्योंकि पॉइंट सिक्स है देखिए इसका टेन टू दी पावर माइनस वन इंटू सिक्स लिख सकते हैं टेन टू दी पावर माइनस वन टेन टू दी पावर माइनस थ्री एंड टेन टू दी पावर माइनस सिक्स टेन टू दी पावर माइनस टेन हो जाएगा सो so, बाहर निकलेगा टेन टू दी पावर माइनस फाइव सो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में टेन टू दी पावर फाइव हो जाएगा और रूट में कितना रह जाएगा ट्वेल्व ठीक है सो पुट करते हैं सो इट इज़ 12 इंटू टूएल्व देन ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं टेन टू द पावर फाइव डिवाइड बाई रूट ओवर टूवेल्व इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स और कॉस फाइव बाई सिक्स ठीक है कॉस फाइव बाई सिक्स मीन्स कॉस थर्टी डिग्री सो कितना हो जाएगा ये रूट थ्री बाई टू ठीक है अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देना है सो so कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगा दैट इज़ द आंसर ठीक है सॉरी यहाँ पर देखिएगा सी का वैल्यू जो है डेट इज टू माइक्रोफ्रैट इसको हटा दीजिए नॉट द ट माइक्रोफ्रैट ठीक है ट्वेल्व वोल्ट बैटरी है सो so यहाँ से टू हटा दीजिए ठीक है सो देखिए कैंसर हम लोगों ने कर दिया है ट्वेल्व को रूट ट्वेल्व को क्या लिख सकते हैं टू रूट थ्री लिख सकते हैं ठीक है सो रूट थ्री रूट थ्री क्या होगा कैंसिल हो जाएगा देन टू इंटू टू फोर हो गया फोर से थ्री टाइम्स गया और टू यहाँ पर ये वाला ऐसा ही है सो इट इज़ सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस वन डैट मीन्स जीरो पॉइंट सिक्स एम इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स इस क्वेश्चन का ठीक है सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन एल सी से है सो so इसको आप लोग देख लीजिए एक बार देख लेने से क्या होता है इस तरह से देखते रहिएगा अगर छोटे छोटे कंसेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर ही समझ में आते हैं ठीक है सो so जितना न्यूमरिकल सॉल्व कीजिएगा कंसेप्ट उतना स्ट्रांग होता है ठीक है